कक्षा सातवीं विषय हिंदी। आज हम करेंगे विविध प्रश्नावली 3। सबसे पहले दिए हमको सही जोड़ी बनाइए, तो नौका का हो जाएगा हमारा पतवार, कला हो जाएगा कलाकार, राजी हो जाएगा खुशी, ब्रेल हो जाएगा लिपि। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको शब्द दिए हुए हैं, इनको चुन करके यहाँ रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करना है। आ नंबर का दिया है, उठे हुए अंकों को खाली स्थान में एकदम सही समय बता देता है, तो हो जाएगा छूकर। बा नंबर का दिया है, हंसने वाला व्यक्ति शारीरिक और खाली स्थान दृष्टि से स्वस्थ होता है, तो हो जाएगा मानसिक। सा नंबर का दिया है, मत खोजो खाली स्थान किसी को, तो उत्तर होगा हमारा चिन्ह। दा नंबर का दिया है, खालिस्तान बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहरबानी रहती है, तो उत्तर होगा हमारा सच। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नेत्रहीन छात्र किस लिपि में पढ़ते हैं, तो उत्तर होगा हमारा ब्रेल लिपि। फिर दिया है प्रश्न नंबर 2, कादिर की रक्षा किस गुण के कारण हुई, तो उत्तर होगा सच बोलने के गुण के कारण हुई। फिर दिया है सा नंबर का, भारत माता के बेटे क्या बनना चाहते हैं, तो उत्तर होगा हमारा भारत माता के बेटे सैनिक बनना चाहते हैं। फिर दिया है प्रश्न नंबर 3, कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा चीन के तिब्बत में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, स्वर्ग का गंधर्व किसे बताया गया है, तो आंसर होगा हमारा साधु को। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छाटिए। तो आकर्षण हमको दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। विज्ञान हमको दिया है, ये भी हमारा उपसर्ग है। फिर दिया है मुस्कुराहट, तो ये हमारा प्रत्यय में चल जाएगा, क्योंकि इसमें मुस्कुराहट आखिरी में क्या आ रहा, आहट, तो आहट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अक्षय, अक्षय है हमारा उपसर्ग है, क्योंकि इसमें आ लगा हुआ है आगे और छे, ठीक हो जाएगा उपसर्ग है। समता हमारा क्या है, प्रत्यय है। निश्चल हमारा हो जाएगा उपसर्ग है। दुर्घटना हमारा प्रत्यय है। मानसिक प्रत्यय है। अप्रिय हमारा उपसर्ग है। और साहसिक हमारा प्रत्यय है। इसके प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले दिया है सहज, सहज को हो जाएगा असहज। फिर दिया है अस्वस्थ को हो जाएगा स्वस्थ। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। वरदान का हो जाएगा अभिशाप। निर्धन का हो जाएगा अमीर। शूल का हो जाएगा पुष्प। आज्ञा का हो जाएगा अवज्ञा। प्रकाश का हो जाएगा अंधेरा। सुख का हो जाएगा दुख। मित्रता का हो जाएगा शत्रुता।